तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड करना। तो एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में गुणनखंड करना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा गुणनखंड करने में। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको एक कौन सा किसका गुणांक है और कौन अचर पद है इसमें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो ए सी होता है भाई लोग वो अचर पद होता है और ए एक्स का गुणांक होता है। आप देख सकते हैं एक्स का गुणांक बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है लेकिन यहाँ पर ए की जगह पर और बी की जगह पर और सी की जगह पर कोई ना कोई संख्या होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह कोई संख्या नहीं है तो एक मान लेंगे क्या दोस्तों, पहले से एक का गुणांक होता है। अगर जहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी हो वह संख्या एक का गुणांक होती है। तो एक का गुणांक हो गया और ये 8 का गुणांक है और ये 16 है अचर पद। तो अचर पद से गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसे हल करने के लिए पहले 16 का गुणा कराएंगे, अचर पद का गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है दोस्तों, तो 16 का गुणा कराएंगे, 16 का नम 16, तो 16 आएगा। अब गुणा करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। यहाँ पर 8 है वो भी प्लस वाला, तो यहाँ पर प्लस 8 आना चाहिए। तो गुणा कराने पर 16 और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 16। तो यहाँ पर हम 4 और 4 को लेंगे, 4 4 16 4 4 16, और इसको जोड़ेंगे 4 प्लस 4 तो हो जाएगा 8। तो इसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुणा कराने पर 16 4 16 16। इसमें गुणा कराएंगे जितना आएगा उतना गुणा कराने पर आना चाहिए और ये जो x का गुणांक होता है उतना आना चाहिए जोड़ने पर। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यह हो गया 4 वाला, तो 4 और 4 हो जाएगा। तो इसमें हम अब पहला स्टेप हम देखते हैं कैसे करते हैं स्टेप पहला रूल। आपका पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और 4x यहाँ पर जोड़ने पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 4 4 हम लिख सकते हैं, 4x प्लस 4x। आप ऐसे लिखेंगे फिर प्लस लगाएंगे और अचर पद जो रहेगा उसे उतार लेंगे ऐसे ही। अब इसको कॉमन लेने की बात आती है। तो अब दूसरा रूल है हमारा, यानी दूसरा स्टेप है इसको कॉमन लेना। तो कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर x है और इसमें से 2 में से कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर x हम कॉमन लेते हैं, x यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है भाई लोग, जैसे x स्क्वायर बराबर होता है x गुणे x के। तो x से हम भाग देंगे x स्क्वायर में, तो यही कॉमन लिया जाता है। जिससे जो कॉमन लेंगे उससे भाग देना होता है, जिसमें से कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिए हैं इसमें से और इसमें से, तो इस x से भाग देंगे इन दोनों में।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया यक्ष का मतलब होता है यक्ष, यक्ष स्क्वायर का मतलब होता है यक्ष, घुड़े यक्ष। तो यहाँ पर यक्ष से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक यक्ष बचेगा, एक्स एक यक्ष तो कट जाएगा और एक यक्ष बचेगा, तो एक यक्ष को लिख लेंगे और प्लस का निशान लगाएंगे और चार यक्ष में एक यक्ष से भाग देंगे तो यक्ष कट जाएगा और बचेगा चार। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कोष्टक बंद कर लेंगे और इसमें से कितना कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर चार कॉमन ले लेंगे क्योंकि चार कट जाएगा और चार चौको 16 ये भी कट जाएगा, तो चार कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस चार चौको 16। आता है हमारा दूसरा स्टेप दोस्तों, तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो दो दो बार रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि उसको कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस चार कोष्टक में है तो लिख लेंगे इसको, कोष्टक में है भी और कोष्टक में फिर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो भी कोष्टक में लिखेंगे, और बचेगा जो ये चार यक्स, सॉरी दोस्तों यक्स और प्लस चार यक्स बचेगा, तो यक्स प्लस चार यहाँ पर लिख लेंगे, इसे दूसरे कोष्टक में कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको यक्स का मान निकालना होगा तो यक्स का मान आप निकाल सकते हैं, तो चलिए मैं उसे भी बता देता हूँ दोस्तों, मैं यक्स का मान कैसे निकालते हैं बताता हूँ। एक्स प्लस चार बराबर जीरो कर लेंगे और यहाँ पर भी कामा लगाकर एक्स प्लस चार है तो एक्स प्लस चार बराबर जीरो, तो यक्स बराबर माइनस चार कामा यक्स बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो इधर प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इसलिए माइनस में आंसर आएगा इसका। तो ये आंसर आ चुका है, तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25। तो दोस्तों अचर पद यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सॉरी दोस्तों अचर पद यहाँ पर 25 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं था, तो यहाँ एक लिख लेंगे और 25 का नम 25 गुणा कराने पर अचर पद को और इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है और अचर पद 25 है, 25 का गुणा कराएंगे एक में, 25 का नम 25, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा कराएंगे अचर पद में, तो अचर पद का गुणा कराएंगे एक में, तो हो जाएगा 25 का नम 25, तो 25 हो जाएगा, तो अब गुणा कराने पर 25 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 10, यहाँ पर क्योंकि 10 है जो गुणा कराने पर 25 आना चाहिए, तो 25 का गुणा कराने पर 25 आना चाहिए, कोई भी ऐसी संख्या लेंगे दो जिसका गुणा कराने पर 25 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए, तो 5 गुणे 5 गुणा कराने पर 25 आएगा और जोड़ने घटाने पर भी 10 आएगा, क्योंकि 5 × 5 इसको जोड़ेंगे जब हम तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यही 5 हो जाएगा इन इसको दो बराबर भाग में बांटने के लिए। अब इसको हम पहला स्टेप हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 10 एक्स है, हम इसे दो खंड में का मार देंगे, 5x और 5x जब जोड़ेंगे तो दोस्तों 10x ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम गुणनखंड करने के लिए इसे बांट देंगे हम अलग अलग, 5x हो जाएगा और प्लस दूसरा वाला 5x प्लस अचर पद जैसे रहेगा उसे उतार लेंगे उसको, ये 25 हो गया। और दूसरा स्टेप है हमारा इसे कॉमन लेना, कॉमन कैसे लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे इसमें से, एक्स स्क्वायर बताया था मैंने क्या होता है, यक्स गुड़े यक्स, तो यक्स से भाग देंगे,
एक्स गुणे एक्स में तो एक ही एक्स कट जाएगा और एक एक्स बचेगा, तो उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और प्लस पाँच एक्स है तो एक्स से भाग देंगे तो इसमें एक्स कट जाएगा और बचेगा पाँच, तो पाँच को लिख लेंगे, कोष्टक बंद कर लेंगे। प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पर पाँच कॉमन ले लेते हैं क्योंकि पाँच से भाग देंगे, पाँच में कट जाएगा और यहाँ पर भी कट जाएगा पच्चीस भी। पाँच से भाग देंगे एक्स में, पाँच एक्स में तो पाँच कट जाएगा, एक से बचेगा प्लस पाँच बचे पच्चीस। यहाँ पर दोस्तों अगर कोष्टक में जो यहाँ पर है इस स्टेप में कोष्टक में अगर सेम सेम है तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, आप ऐसे पता लगा सकते हैं। तो जब कोष्टक में है जो दोनों उसे पहले हम कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस पाँच है कोष्टक में, एक्स प्लस पाँच मैंने कॉमन ले लिया और बचा, सॉरी दोस्तों बचा, अब इसी जो बचा हुआ है उसको कोष्टक में भी लिख लेंगे। तो एक्स प्लस पाँच बचा तो इसको भी कोष्टक में ले लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे समझना आप लोग और ध्यान से देखना तो ही समझ में ये वाला आने वाला है। तो अब देख दोस्तों हम इसमें अचर पद से और एक्स स्क्वायर का गुणांक कराएंगे, गुणांक में एक्स स्क्वायर का गुणांक में अचर पद से गुणा कराएंगे। अचर पद यहाँ पर माइनस पाँच है और यहाँ पर दो है, यहाँ पर माइनस तो नहीं लेंगे, पाँच लेंगे, पाँच दुना दस, गुणा कराने पर दस आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर एक्स, यहाँ एक्स का गुणांक नौ है तो नौ आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर नौ आना चाहिए, गुणा करने पर दस आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर नौ नौ आना चाहिए, तो ऐसी संख्या हमें खोजना है। यहाँ पर तो हम ले लेते हैं दस गुणे एक, यहाँ पर गुणा कराने पर दस आ जाएगा क्योंकि पाँच और पाँच दूना दस, गुणा कराने पर दस आना चाहिए, गुणा कराएंगे तो दस आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर नौ आना चाहिए, तो दस में से एक घटाएंगे तो नौ आ जाएगा और भी प्लस में, तो यहाँ पर प्लस में भी लाना है तो प्लस में नौ भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये चिन्ह बताएगा हमें जोड़ना है या घटाना है, यहाँ ये चिन्ह अचर पद के पहले जो चिन्ह रहेगा उस वही बताएगा हमें जोड़ना है या घटाना है, तो इसमें माइनस का चिन्ह है तो इसमें से घटाना होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनस की चिन्ह लगा के घटाएंगे। तो अब आइए हम इसे हल करते हैं, पाँच दूना दस हो जाएगा, तो यहाँ पर अब इसका गुणनखंड इसे दो भागों में हम बांटेंगे, तो पहले हम एक्स स्क्वायर, पहला हमारा स्टेप हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसे हमें दो भागों में बांटना है तो यहाँ पर इसे लिखेंगे हम दस एक्स प्लस एक एक्स, एक एक्स मतलब एक्स को लिख लेंगे चल जाएगा काम हमारा। एक एक्स दोस्तों नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक एक्स नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर कॉमन लेने की बात आती है तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं दो एक्स, क्योंकि दो एक्स कॉमन आ जाएगा, दो एक्स से भाग देंगे दो एक्स स्क्वायर में तो बचेगा एक्स, क्योंकि दो से दो कटेगा, एक्स से यहाँ पर दो एक्स है, एक से एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा, प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर तो एक से एक्स कट जाएगा, दो पाँचे दस, पाँच बचेगा, यहाँ पर पाँच लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों
अमन तो आने वाला कुछ नहीं दिख रहा। तो यहां पर दोस्तों हम लेते लेंगे कॉमन एक, माइनस एक कॉमन लेंगे, तो माइनस से माइनस में भाग प्लस में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्लस कॉमन लेंगे। जब प्लस कॉमन लेंगे तो प्लस एक इसमें से भाग देंगे तो एक्स बचेगा, और माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस से जब भाग देंगे माइनस में तो माइनस ही रहेगा। तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा जो वो एक्स प्लस पाँच, और दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे जो छूटा रहेगा इसको और इसको, दो एक्स प्लस एक, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई लोग। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।